Good morning everyone. I hope you all are good. Today I am going to teach you the topic comparing number. In maths, to compare means examine the difference between numbers, quantities or value to decide if it is greater than, smaller than and equal to another quantity. It means जब भी हम किसी नंबर को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं दो नंबर के बीच में पहला नंबर दूसरे से बड़ा है ग्रेटर देन छोटा है स्मॉलर देन या बराबर है. इसको बताने के लिए हम तीन साइन यानि तीन सिंबल्स का यूज़ करते हैं. फर्स्ट वन इज़ दिस. दिस इज़ यूज फॉर ग्रेटर देन. फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन वी राइट 8 and 6, जब हम 8 और 6 को कंपेयर करेंगे तो 8 इज़ ग्रेटर देन 6, मीन्स 8 6 से बड़ा है, तब हम ये साइन यूज़ करेंगे, दिस इज़ ग्रेटर देन. व्हेन वी राइट 5 and 9, दिस टाइम 5 इज़ स्मॉलर देन 9, 5 9 से छोटा है, तब हम लेस देन का साइन यूज़ करेंगे. क्या बोलेंगे हम? 5 इज़ लेस देन 9. एंड व्हेन वी राइट 4 and 4, दोनों नंबर बराबर हैं यानी इक्वल हैं, उस समय हम यूज़ करेंगे इक्वल टू का साइन. 4 इज़ इक्वल टू 4. ओके, लुक एट हियर. यहाँ पर देखिए, दीज आर टू कैंडल्स. यहाँ पर दो कैंडल्स हैं. फर्स्ट वन इज़ ग्रेटर देन द अनदर वन. पहली क्या है? दूसरे से बड़ी है. फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन द अनदर वन, सो वी यूज ग्रेटर देन. अनदर, लुक एट दीज टू कैंडल्स. फर्स्ट वन इज स्मॉलर देन द अनदर वन. पहली कैंडल दूसरे से छोटी है, सो वी यूज स्मॉलर देन और लेस देन साइन. एंड लुक एट दीज टू कैंडल्स. दीज टू आर इक्वल, ये दोनों बराबर हैं, सो वी यूज द साइन ऑफ इक्वल टू. क्लियर? लुक एट द नंबर. व्हेन वी राइट 9 and here we write 7, हमने यहाँ पर 9 लिखा और यहाँ पर 7 लिखा, सो 9 इज ग्रेटर देन 7. 9 7 से क्या है? बड़ा है, सो वी यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन. Then we write 8 and 9. 8 is less than 9, so we use the sign of less than. And again we write 5 and 5, so we use the sign of equal to, because the both number are equal. दोनों number क्या हैं? Equal हैं, इसलिए हमने equal का sign use किया. So remember, फर्स्ट दिस इज़ द साइन ऑफ ग्रेटर देन. हम ये तब यूज़ करते हैं जब पहला नंबर दूसरे से बड़ा होता है. द नेक्स्ट वन इज़ लेस देन, ये हम तब यूज़ करते हैं जब पहला नंबर दूसरे से छोटा होता है. एंड द लास्ट वन इज़ इक्वल टू, इस साइन को हम तब यूज़ करते हैं जब दोनों नंबर बराबर होते हैं. आई होप यू हैव टू अंडरस्टूड वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ comparing number and how to do it. So take care. Bye.